नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। झामुमो से मोह भंग हुआ है। कल चंपई सोरेन, आज लोबिन हेमब्रम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो निष्ठा उन्होंने पार्टी के लिए रखी थी। चंपई सोरेन से कोल्हान और लोबिन हेमब्रम से संथाल पर बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है, लेकिन इसमें सियासत भारी है। काफी राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष इसका क्या काट निकालेगी, इस पर चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पिछले काफी समय से राजनीतिक उठापटक का दौर जारी था। चंपई सोरेन के सोशल मीडिया पर दर्द भरा पोस्ट शेयर करने और जेएमएम पार्टी से अलगाव की खबरें सामने आने के बाद ये साफ हो गया था कि अब पूर्व सीएम भगवा रंग में रंग सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। बार बार दिल्ली जाने के बाद आखिरकार गृह मंत्री से औपचारिक मुलाकात के बाद चंपई ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। कल चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए हुंकार भरा। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में लंबे समय से विधायक रहे लोबिन हेमब्रम के बागी सुरों से तो सभी वाकिफ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विरोध का यह स्वर भाजपा की झोली में जाकर रुका। अब पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बाद लोबिन हेमब्रम ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लोबिन ने चंपई की ही तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराजगी के बाबत बीजेपी में शामिल होने की व्याख्या दी है। हमारे साथ में जब ये चंपई बाबू हैं, हम लोगों ने शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया था, और ये झारखंड राज्य जो अलग हुआ, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए खास करके इनका विकास कैसे हो, और बहुत उम्मीद थी, और इस दरमियान बहुत सरकारें बदली, लेकिन हमारे गुरु जी का सेतु सुरेन का जो स्थिति है आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया था और उसका चुनावी एजेंडा जो था हम लोगों के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों ने विश्वास किया था। हालांकि लोबिन हेमब्रम के झामुमो को छोड़ बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करने को लेकर इशारों इशारों में चंपई सोरेन ने कई संभावनाएं जाहिर कर दी हैं। पार्टी के अंदर जो पीड़ा है वो बताई दिया है, जो हम बताते गया वो भी वही बताते जा रहा है। इस सिलसिला जारी रहेगा क्या दादा? देखिए, आप लोग आगे भी देखते रहिएगा दादा। आगे भी आपके साथ, आप लोबिन के साथ लोग आने वाले हैं, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए ना, आप लोग देखिए देखते रहिएगा, है ना, क्या क्या हो रहा है। एक नया भी। हालांकि सत्ता पक्ष ने चंपई सोरेन और लोबिन हेमब्रम के इस कदम की आलोचना की है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि जिसने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ा है उनका राजनीतिक करियर गुम हो गया। हालांकि भाजपा पर जोड़ तोड़ की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, राजनीति पार्टी में आप हमेशा देखे हो कि नेता आते और जाते रहते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक चंपई सोरेन जी की बात है, लोबिन हेमब्रम की जी बात है, तो आप देखें कि जिस तरह से जेएमएम ने और इंडिया गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से उनको मान सम्मान देने का काम किया था, लगातार उस जेएमएम का सिंबल से साथ भर के विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री
तो षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया हेमंत सोरेन जी, क्योंकि उसने अपने मुख्यमंत्री पद पर भी उनको आसीन कराया, इतने बड़े सर्वोच्च पद में बैठाया गया, तो मान सम्मान में उनको कमी किया, लोकसभा का टिकट भी उनको दिया गया। अब पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी तो वह खुद ही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के लोग काफी मजबूत है, नेता आते जाते रहेंगे, इससे किसी को फर्क। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जहाँ प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जेएमएम में टूट और राजनीतिक पाला बदल राज्य की सियासत में क्या असर डालती है। आगामी विधानसभा चुनाव के मैदान में कौन किस पर भारी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल जुड़ गया है। आज हमारे साथ हमारे तीन मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से कमल ठाकुर जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। झामुमो से बटर सिंह देओल जुड़ गए हैं। बटर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा आपसे शुरू करेंगे रमाकांत जी, क्योंकि बीजेपी के लिए जो पूर्व विधायक रहे हैं लोबिन हेमरम और पूर्व सीएम चंपई सोरेन, दोनों ही कद्दावर नेता रहे हैं झामुमो से, लेकिन अब बीजेपी में उन्होंने पाला बदल लिया है, कितनी मजबूती पार्टी को मिल रही है? धन्यवाद स्नेहा जी। ये दोनों ही वर्तमान में विधायक हैं, माननीय लोबिन दा भी विधायक हैं और मुखर विधायक हैं, और चंपाई जी भी विधायक है और राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए यानी मुख्यमंत्री पद तक इन्होंने सुशोभित किया है। अरे, दोनों कद्दावर लीडर है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। इन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति, मुझे लगता है 4 दशक से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने में लगा दिया है। और जब 4 दशक से जो लोग सक्रिय राजनीति में, जमीनी राजनीति में जुड़े हो, और इतना दिन का विधायक की राजनीति इनकी रहने के बावजूद आज घर छोड़ के यदि आ रहे हैं, और इनका जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा को दुखद घटना यदि नहीं मानते, और इस अहम में वो हैं कि पार्टी छोड़ के जाने वाले के बाद हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में, ये सत्ता का मद कह रहा है उन्हें। और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, एक परिवार वहां फैसला ले रहा है, और जब पार्टी परिवार पर सिमट जाती है तो स्वाभाविक है कि टकरावट शुरू होती है और विचारधारा गौण हो जाते हैं, सिद्धांत समाप्त हो जाता है। इसलिए दिन ब दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से कद्दावर लीडर बाहर का रास्ता चुन रहे हैं, और राजनीति में विशेष करके ये दुखद घटना केवल और केवल सभी सार्वजनिक जीवन जीने वाले राजनेताओं के लिए बड़ी दुखद मानी जाती है। इसलिए राजनीति में जरा सुचिता होनी ही चाहिए, और पुराने जो लोग भी होते हैं उनका मान सम्मान और उनके अनुकूल जो बातें होनी चाहिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यही चीज़ें माननीय हेमंत सोरेन जी कर पाते, जो चीज़ें आज चाचा कह रहे हैं, कभी कभी कह रहे हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं ये लोग, लेकिन जो वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना मैनिफेस्टो में समाज के बीच में, जनता के बीच में उन्होंने जो दिखाया था, वही वादे इन नेताओं ने, विशेष करके लोबिन दा ने, विधानसभा में हमेशा से, सड़क में भी और जनता के बीच में भी हमेशा से, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी रखने का काम किया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबसे बड़ी कठिनाई अब तक ये है कि अभी तक उस पार्टी में कमेटियां ठीक तरह से फॉर्म नहीं हो पाई हैं, केंद्रीय कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाती है सही तरीके से, हर 3 महीने में मीटिंग होनी है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुझे लगता है वर्ष भर हो गए, अभी तक कोई वैसे ठोस कार्यक्रम एवं नीति निर्धारक और जो चीज़ों पर विश्लेषणात्मक बैठकें होनी चाहिए थी, अभी तक उस प्रकार की बैठकें भी नहीं हुई हैं, बहुत जगह कमेटियां नहीं बनी हैं जिला में, परिणामतः क्या हो रहे हैं, लोग घुट रहे हैं ठीक है, और पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए, बटर सिंह जी, देखिए, सत्ता में है आपकी पार्टी जो है, राज्य की सत्ता में है, और सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते एक के बाद एक इस तरह के कद्दावर नेताओं का बाहर चला जाना एक प्रकार से पार्टी के लिए कितना क्षतिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी है। इस तरह से बार बार ये कयास लगा कि एमएम खत्म हो जाएगी, दो लोग चले गए छोड़ के, और भी कई छोड़ के चल जाएंगे, तो
एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक पक्षी था जिसको फीनिक्स कहते थे, है ना। तो जेएमएम पार्टी इस पक्षी फीनिक्स की तरह है कि यार मतलब जलने के बाद वो रिजरेक्ट करती है, उठ के फिर से एक नया जीवन। तो हमारी पार्टी को मारने की कोशिश जो कर रहे हैं बीजेपी, ये इनको ये छोटी ऐसी सोचें नहीं रखनी चाहिए, और हमारी पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं है। वी विल राइज एज फीनिक्स। अभी देखिए मतलब ये दो विधायकों को तोड़ के ले जा रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा अपने आप को अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने राख में मिला दिया जेएमएम को। तो जेएमएम राख में नहीं मिलेगी, विल आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा कि फीनिक्स की तरह हम फिर इस बार से ज़्यादा वोट्स लेके और इस बार से ज़्यादा एमएलएज लेके हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, जेएमएम दावा कर रही है कि सत्ता पे वापस आएगी। मेरी बात स्नेहा जी कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। रमाकांत जी बड़ी चिंता होगी रमाकांत जी को कि हमारी पार्टी में मीटिंग्स नहीं होती, संगठन नहीं चलते। देखिए हर पार्टी को चलाने का अलग तरीका होता है। आप अपनी पार्टी आप दिन भर इनके 125 कमेटियां हैं, दिन भर मीटिंग करती रहती हैं, बट रिजल्ट क्या आता है? सरकार में तो ये है नहीं, मीटिंग करते रहिए, है ना। बहुत सारी कंपनीज अगर, क्योंकि देखिए मीटिंग्स वगैरह ये सब कहाँ से आता है, ये कॉरपोरेट कल्चर है। तो इनकी तो हम पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं कि कॉरपोरेट वालों के लिए सरकार बनी है, तो उनका कल्चर भी अडॉप्ट किया है, मीटिंग्स रिपोर्ट्स और फलाना ढमका। तो हम थोड़ा डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं, हम जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता का जो इमोशनल सपोर्ट है हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोबिन जी को आज ज्वाइन कराया, तो लोबिन जी और क्या ये लोबिन जी और चंपईदा को एक लेवल का नेता मानते हैं कि लोबिन जी को बहुत छोटा नेता मानते हैं और चंपईदा को बहुत बड़ा नेता मानते हैं? क्योंकि चंपई जी कल ज्वाइन किया, ज्यादा कर 24 घंटे भी नहीं हुए, और उनके लिए इतना बड़ी रैली, इतने करोड़ रुपए का खर्च करके, और इनको बेचारों को ऑफिस में। तो यही सबसे बड़ा लोबिन हेम्ब्रम जी से पूछना चाहिए कि आपकी जो स्टेटस है बीजेपी में, यही स्टेटस दिखाता है कि किस तरह से उनको ज्वाइन कराया गया और किस तरह से आपको ज्वाइन कराया गया। और दूसरी बात कि ये दोनों नेता अभी इलेक्शन 2 महीने नहीं हुए, जून में रिजल्ट निकला है लोकसभा के इलेक्शन में, तो जनता तो सवाल करेगी ना कि अभी 2-3 महीने पहले आप आए, जिस पार्टी को आप पानी पी पी के कोस रहे थे, जिसके आप खिलाफ आप लड़ रहे थे, और जनता से हमसे वोट मांगा कि आप हमें वोट दो, बीजेपी एक बेकार पार्टी है, और अचानक 3 महीने में वो पार्टी अच्छी हो गई। तो जो नेता 3 महीने में अपना स्टैंड बदल जाए, उसको क्या जनता वोट देगी? क्या मुंह लेके ये जनता के बीच में जाएंगे? मैं तो इस पे हैरानी कर रहा हूँ कि क्या सोच के, पता नहीं क्या। वही एक और पुराने दूसरे चैनल में मैं कह रहा था, मैं क्या सोने का पिंजरा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके अंदर जाने के बाद आजादी जो छिन जाती है ना, तो ये रियलाइज करेंगे। जी ठीक है। कमल ठाकुर जी, देखिए इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है कांग्रेस, और एक तरफ से इंडिया गठबंधन के लिए भी ये सोचनीय बात है कि आखिरकार जो गठबंधन की सरकार राज्य में है उसमें एक प्रकार से टूट की स्थिति जो है नजर आ रही है। हालांकि बार बार ये दावे कर रहे हैं, जेएमएम भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी कर रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कद्दावर नेता है कोल्हान में अच्छी पकड़ है, टाइगर जिन्हें कहा जाता है चंपाई सोरेन की, वहीं अब संथाल की ओर अगर कह दे तो लोबिन हेम्ब्रम के थ्रू बीजेपी जो है अच्छी रणनीति बना सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर गठबंधन सरकार की बात की जाए तो किस तरह का चैलेंज जो है, चुनौती जो है, अब उत्पन्न हो सकता है? वो व्यक्ति विशेष तो जरूर खड़ा होते हैं, लेकिन सिंबल लड़ता है। और कोल्हान और संथाल की जनता वहां पर तीर धनुष और हाथ को ही पहचानती है। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन और लेबिन हेम्ब्रम दोनों का स्थिति बहुत बुरा है, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किया है ना, उसको सीधा सीधा अगर कहा जाए हम लोग की बोलचाल की भाषा में, तो उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है। और ये देश जो है और ये राज्य जो है, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं बहुत दिल के सीधे होते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन धोखा नहीं। तो धोखा देने का परिणाम तो लोबिंदा और चंपई सोरेन जी को भुगतना ही होगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो लोग हैं, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, वो चंपईदा हो चाहे लोबिंदा हो, ये सारे लोग गांधीवादी हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में ये गुडसे के गोदी में जो जाके बैठे हैं ना, तो वो लोग इस चीज को लोबिंदा तो समझ जाएंगे और चंपईदा
क्योंकि जनता जो है, जो यहाँ की मूल निवासी और आदिवासी समाज है, वो इस बात को समझती है कि मुझे जो है ना गोडसे की गोद में नहीं बैठना, मैं, हम लोग गांधीवादी हैं, गांधी के साथ ही रहेंगे, तो इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। ठीक है, चलिए जवाब ले लेंगे रमाकांत महतो जी। जैसे कि दो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं दोनों बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद, कि आखिर चंपई सोरेन ये कह रहे हैं कि अपमान हुआ है उनका, लेकिन बीजेपी में कितना सम्मान होगा, कौन सा पद जो है उन्हें दिया जाएगा। उसी तरह आज अगर लोबिन हेमरम की बात की जाए, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, उनका क्या पद होगा पार्टी में, ये बड़े सवाल हैं। और साथ ही आपके विपक्ष का ये कहना है कि सिंबल के हिसाब से जो है लोग पहचानते हैं, तीर धनुष पर ही लोग जो है जनता विश्वास करती है, और इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है बीजेपी को। चलिए, अभी तो उन्होंने खोया है, दर्द तो है, बयां नहीं कर पा रहे हैं। और जो बातें आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई शर्तें के साथ में पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं होती है, क्योंकि ये पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के नाते मैं बात कह दे रहा हूँ, कोई दल भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाए या कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हो तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रहता, और उनको विशेष जिम्मेदारी के साथ ये कह कर नहीं लाया जाता है कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी में एज ए कार्यकर्ता के रूप में आपको स्वाभाविक रूप से काम करना पड़ेगा, और पार्टी जिम्मेदारी सामूहिक आधार पर उन्हें निर्णय लेकर के जिम्मेदारी देती है, दायित्व देती है। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई पद होता नहीं है। दूसरी बात, बटर जी ने अच्छी बातें कही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक फिनिक्स पक्षी की तरह है। बटर जी को मालूम होना चाहिए, बड़ी सोशल मीडिया से लेकर के ही तो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अच्छे ज्ञाता है ये, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो हैं, मुझे लगता है ये प्रवक्ता तो हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं ये, मैं भी इनसे सलाह लेता हूँ। फिनिक्स पक्षी एक कल्पना मात्र होती है, और वो कोई पक्षी उस नाम से पाई नहीं जाती, एक कल्पना अतीत पक्षी होती है, और वो जल के भी राख होने के बाद भी पुनरुद्भव होता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगता है कि आप कल्पना मात्र ही बचना है, और उन्हें आग लगना शुरू हो गया है, जलना उन्हें अनिवार्य हो गया, और राख बचेगा, और उसके बाद कौन सा पीढ़ी उसे उबारेगा ये तो उन्हें ही पता होगा। और टूटने से, और स्नेहा जी, टूटने से की बात कांग्रेस पार्टी को खुद पूछनी चाहिए कमल जी को, कि कांग्रेस पार्टी आज टूट टूट के समाप्त हो गई। पहले जहां पे प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी की होती थी, 400 से अधिक सीटें लोकसभा में होती थी, आज कांग्रेस पार्टी टूट की वजह से, एक परिवार की पार्टी होने से पूरे देश में खात्मा होकर के फिर से पुनर्जीवित होने का प्रयास हो रही है, संजीवनी होने की बात कर रही है, यही स्थिति है। और जो कह रहे थे कि वो एक बातें कह रहे थे कि हम गांधीवादी वाले हैं, गोट से बात तो भारत में है ही नहीं, और जिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की उदय हुई है उन्हें मालूम होना चाहिए ये मार्क्सवादी के द्वारा, एक के राय के द्वारा, और विनोद बाबू के द्वारा, और शिबू सोरेन जी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही प्रारंभ हुआ है, उद्भव हुआ है, वो मार्क्सवादी। रमाकांत जी, कमल जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में देखिए एक और सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा रमाकांत जी। जो कॉन्फिडेंस के साथ आज बीजेपी ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव में निश्चित इन दोनों कद्दावर नेता जो शामिल हुए हैं उनके जरिए जो है अच्छी प्रदर्शन जो है बीजेपी कर सकती है, लेकिन यही लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उस समय भी ऐसी स्थिति राज्य ने देखी थी, जब बड़े नेता जो है झामुमो छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन पर दाव भी खेला गया था, लेकिन नतीजा वही हुआ कि हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कॉन्फिडेंस क्या है कि इस बार जनता भरोसा करेगी? हार जीत अपने जगह पे है, और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अभी भी झारखंड में सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के भी हैं लोकसभा में, ये बात को समझनी चाहिए इन लोगों को। दूसरी बात, जहां आप कह रहे हैं कि आप नेता ही नहीं होंगे तो पार्टी कमजोर होती है, आज कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं है परेशानी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में नेता है तो वोट के परसेंटेज बढ़ रहे हैं, हार जीत अलग जगह पे है, आज भी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ले लेंगे। तो ये बातें को समझनी चाहिए, पार्टी में नेताओं की कमी क्षतिपूर्ण हो सकती है, जवाब दे दीजिए कमल ठाकुर जी, शॉर्ट में जवाब दीजिए। रमाकांत जी बोल रहे थे कि ये लोग शर्त के साथ किसी भी नेता को नहीं लाते हैं। 15 मिनट पहले अशोक राव चौहान पार्टी में शामिल होते हैं और राज्यसभा से हो जाते हैं,
चलिए कमल ठाकुर जी शायद किसी तकनीकी दिक्कत के वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, बटर सिंह जी आपके पास आएंगे, जवाब दे दीजिएगा। रमाकांत महतो जी ने कहा कि नेता अगर नहीं होंगे तो आगे चलकर वोट परसेंटेज घट सकता है, और वाकई ये सोचनीय बात है। शिबू सोरेन जी नेता है कि नहीं है पूछिए, सिंबल बड़ा है कि उनका शिबू सोरेन जी बड़े हैं, पूछिए उन्हें। पार्टी में नेता नहीं है तो फिर ये लेख सबसे बड़ी दिक्कत है कि बीजेपी में बोले बहुत नेता है, फिर भी इनको दूसरों दल से नेता लेने की जरूरत पड़ रही है। अगर हमारे यहाँ नेता नहीं है तो तोड़ के किसको ले जा रहे हैं, ये जवाब तो इनको देना चाहिए ना। और लेकिन पार्टी के लिए भी ये सोचने वाली बात है ना बटर सिंह जी की, तोड़ के ले जा रहे हैं लेकिन जा तो रहे हैं ना नेता, तो कहीं ना कहीं पार्टी की कमी, जेएमएम की कमी नजर आ रही है कि बांध कर नहीं रख पा रहे। भाई पार्टी ऐसे नेताओं के बिना ही ज्यादा ये है जो मतलब कंफर्टेबल है, जो अपनी महत्वाकांक्षा को जनता के प्यार के ऊपर रखते हैं, है ना। ये कहते हैं अभी कमल ठाकुर जी एग्जांपल दे रहे थे कि शर्त के आधार पे नहीं लाया जाता। आप ये पब्लिक जग जाहिर बात है कि जो भी नेता बीजेपी में शामिल हुआ या तो ईडी सीबीआई के डर से शामिल हुआ या कुछ पाने के डर से पाने की लालच में शामिल हुआ, है ना। तो ये बात तो मतलब सिरे से परे है कि इनका जो कहना है कि बीजेपी में कोई चाह के शामिल हो रहा, और ये बार बार जो बातें करते हैं पुराने चले जाते हैं कि तो आपको ये जब आप हिस्ट्री में ही जाके बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में जाके देख लीजिए बीजेपी की औकात क्या थी, 2 सीटों की औकात थी। तो ये तो टाइम साइकिल है। आज जो आप दम भर रहे हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, एक समय था आप विश्व की सबसे छोटी पार्टी में काउंट किए जाते थे। तो समय का बात है, समय का चक्र है, महाभारत में आता था ना मैं समय हूं, तो गोल गोल घूमता है। तो अगर उसी समय में समय के चक्र में अगर आपके मन में ये अहंकार भर जाए तो आपकी गति क्या होगी। और जो स्नेहा जी एक बार जो आपके स्क्रीन पे जो पीछे चल रहा है, हाँ ये फुटेज, तो ये खाली भारतीय जनता पार्टी का फ्लेक्स छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनलिटी इसमें कुछ नहीं है। गीता कोड़ा जेएमएम, इनके विधानसभा के अमर बावरी जी दूसरी पार्टी, लोबिन हेमरम जेएमएम, बाबूलाल मरांडी जेवीएम, चंपईदा जेएमएम, हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस। तो ओरिजिनल बीजेपी कहाँ है बताइए। एक ये सामने जो चल रहा है इसमें एक तो कम से कम एक बीजेपी का ओरिजिनल नेता मुझे दिखा दीजिए कि जो दूसरी दल से नहीं आया हो। तो ये खिचड़ी से ये सोच रहे हैं कि हम जाके किसी देश की सरकार बना लेंगे, तो इनके समझ पे ये है। चलिए बड़ा सवाल कर दिया आपने, ये बड़ा सवाल कर दिया है जोड़ जोड़ के ना, जो भानुमति का जो पिटारा जवाब ले लेंगे, आपके सवाल पर जवाब ले लेंगे। लेकिन कमल ठाकुर जी वापस आ गए हैं। कमल जी, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है कि इस बार चंपई सोरेन जिस तरह से उन्होंने दामन थामा है बीजेपी का, निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा। और अगर मधुकोड़ा की बात की जाए, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका भी यही कहना है, जैसे कि कल मंत्री पद की शपथ रामदास सोरेन ने ली है, और एक तरफ से जेएमएम ने एक तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जो चंपई सोरेन जिस क्षेत्र से आते हैं वही के वो भी विधायक रह चुके हैं। तो इस पर मधुकोड़ा जी कह रहे हैं कि बराबरी कहीं से भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन जो है वो हो सकता है। पहले तो समझ लीजिए कि ये लोग जो मधु कोड़ा को पानी पी पी के भ्रष्टाचारी कहते थे, उस भ्रष्टाचारी को अपने पास रख लिए। और सही कहा बटर भाई ने कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे किसी ना किसी दूसरे दल के हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो केवल दरी बिछाने के लिए बचे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उधार के सिंदूर से सुहागन होने का जो रीति है वो केवल बीजेपी में है, उनके पास तो कोई नेता है नहीं। बड़ी बड़ी बात करेंगे रामाकांत जी कि इनके पास नेता, अरे आपके पास नेता रहता तो उधार लेने की जरूरत क्या होती, डराने की जरूरत कहां से आती, कुछ लालच देने की जरूरत कहां से आती। क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा ये लोग घोषित करेंगे, क्योंकि सम्मान तो उनको तभी मिल पाएगा जब उनको आप घोषित कर दे मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए क्या है ना कि जब हमें पता चल जाएगा कि चंपई ऐसे लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से उनको बाहर किया जाएगा, और इसमें कहीं कतई गलत नहीं है। और चंपई दा ने जो कहा, मैं कल भी कहा इस बात को कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारा है,
ठीक है, चंपई दा ने कुल्हाड़ी में जाके पैर मार दिया है। चलिए, इसका परिणाम ये होने वाला है कि आप सरकार समय की कमी, देखिए बात शुरू से लोकसभा के दौरान से सुनते आ रहे हैं कि बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टियों से तोड़ तोड़ कर नेताओं को जोड़ रहे हैं अपने में। अभी भी यही बात सुनने को आ रही है। छोटा सा जवाब, एमपीज जो बाहर से आए हुए हैं इनके दल के नहीं है। ठीक है, जवाब दे दीजिए। सारे लोग दरी बिछाने के काम में आएंगे बड़े नेता। देखिए, मैं प्रारंभ से ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास करती है और सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व के आधार पे ही पार्टी और राष्ट्र की सेवा में जुड़ती है। और जहाँ तक है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान और इनके कार्रवाई करने की बातें, अभी तक इन्होंने लोकसभा चुनाव एक लड़े विधायक को कार्रवाई आज तक पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। चमरा लिंडा जी को बिशुनपुर से माननीय विधायक हैं, बगावत किया उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से, बगावत करके इंडिया अलायंस के खिलाफ में चुनाव लड़ा। बटर जी बता सकते हैं, कमल जी बता सकते हैं कि आज तक उन पर आपने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये ढूल मूल नीति झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की रहती है। लेकिन रमाकांत जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी तो नजर आई है कई बार कि बाहर के लोगों को चांस देते हैं, कार्यकर्ताओं को देखते नहीं है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी काम करते हैं वे बहुत महत्वाकांक्षी होते नहीं हैं। दूसरी बात है, इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो सर्वे सर्वा नहीं होते, वहाँ भी एक गवर्निंग बॉडी होती है यानी निर्णायक बॉडी होती है, यानी जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं, वो निर्णय लेती है कि कौन किस पे काम करेगा और किस तरीके से पार्टी बढ़ेगी। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारे साथ के विचारधारा के जुड़े हुए और कोई अनुसंगिक संगठन है, उस संगठन के लोग भी उसमें रहते हैं, उनके साथ निर्णय होती है। समय की कमी है, ये गांधी परिवार की पार्टी या नेहरू परिवार की पार्टी या सोरेन परिवार की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति वहां। ठीक है रमाकांत जी, आखिरी सवाल क्योंकि समय की कमी है, जेएमएम और कांग्रेस दोनों से एक ही सवाल रहेगा, छोटा छोटा पक्ष रखिएगा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जो कि बहुत अहम है, और जिस तरह की राजनीतिक उठापटक राज्य में देखने को मिल रही है, सियासत में क्या कुछ असर पड़ सकते हैं, क्या कुछ चुनौतियां जो है पार्टियों को झेलनी पड़ सकती है, और किस तरह से रणनीति तैयार करेंगे। झामुमो से पहला पक्ष ले लेंगे, बटर सिंह जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, इंग्लिश कहावत है गुड रिडेंस टू बैड इन्फ्लुएंस, है ना, तो हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे जो हमारी पार्टी पे बैड इन्फ्लुएंस डाला जा रहा था वो अपने आप बीजेपी में चले गए हैं, और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये भानुमती का जो कुनबा इन्होंने जोड़ा है, ये इलेक्शन आने तक या इलेक्शन के दौरान ही पता चलेगा कि आप धाराशाही हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को जो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हमारा तो देखिए, हम तो सिर्फ जनता के वोट पे विश्वास करते हैं, जनता के प्यार पे हमारा सब पूरा दारोमदार है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, ये भी जनता के बीच में जाए, इनको बताना पड़ेगा कि जो दो महीने पहले तीन महीने पहले तक जिनको हम कोस कोस के आपसे बोल रहे थे कि उनकी कुनीतियों को गिनाए थे, चंपई दा पूरे झारखंड में घूम घूम के बीजेपी को उन्होंने एक एक पॉइंट बताया कि बीजेपी ने क्या झारखंड के साथ गलत किया है। तो मैं तो ये सोच रहा हूं, हैरान हूं कि किस मुंह से वो जाके बोलेंगे कि मैंने गलत बोला था तीन महीने पहले। क्या लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती से खड़ी रह पाएगी? एकदम कमल जी, स्थिति में तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। ये नेताओं को, धोखेबाज नेताओं को अपने दल में करके कोई सोचेगा कि पार्टी मजबूत हो जाएगी तो जनता इस बात को समझती है, इस तरह को लोग को जनता नकार देती है। चलिए ठीक है रमाकांत जी, यहाँ पर देखिए विधानसभा चुनाव तो आने वाले हैं और रणनीति बीजेपी बना रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अगर बीजेपी के लिए खड़ा होता है तो सीएम फेस कौन होगा, कौन ऐसा सीएम फेस है जिसे बीजेपी आगे करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। ये तो समय के तकाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय लेती है, और पार्टी में ये पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करती है कि कौन किसके नेतृत्व में चुनाव होगी। ये अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए इस बातों पे मुझे लगता है विराम देना चाहिए। बटर सिंह जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बटर जी बोलिए भाई, शॉर्ट में दीजिएगा आखिरी स्टेटमेंट।
आपको अगर इसमें भी हैरानी नहीं हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं बन के हिमंता बिस्वा शर्मा ही झारखंड के जिस तरह से जितने इन्वॉल्व वो राजनीति में है यहाँ पर वही बन जाए हमारे सीएम, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। बीजेपी में तो है सबसे ज्यादा भय यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को हो रहा है तो हेमंता बिस्वा शर्मा से हो रहा है। इन लोग को सपना में भी हेमंता बिस्वा शर्मा दिखाई दे रहा है। बड़ा दावा है बेचारे को बड़ी दिक्कतें हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों अतिथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम राजनीतिक दावे हैं दोनों ही दलों से, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि पाला बदल जो हो रहा है इससे सियासी उठापटक जारी है। आगे चलकर क्या परिणाम होंगे, विधानसभा चुनाव में जनता किसे चुनेगी, किस पर भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहें रफ्तार मीडिया। नमस्कार।